हेलो फ्रेंड्स, डिफेंस दर्पण में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि सियाचिन, एक ऐसा बैटलफील्ड जहां कुदरत हर वक्त चुनौती देती है। यहां ऐसी बर्फीली हवाएं चलती हैं कि हड्डियां तक गल जाएं। ऐसे मुश्किल हालात में भारत की दिलेर बेटी सियाचिन ग्लेशियर में शौर्य का परचम लहरा रही है। नाम है कैप्टन शिवा चौहान, जिसे आज दुनिया सियाचिन की आयरन लेडी के नाम से भी जानती है। भारतीय सेना की जाबाज कैप्टन शिवा के नाम एक और कीर्तिमान लिखा जा चुका है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं, जो देश के लिए बड़े गर्व की बात है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में शुमार, सियाचिन में हालात बेहद मुश्किल हैं। सियाचिन में सबसे बड़ी चुनौती मौसम है, जहां बर्फ के गोले दुश्मन की तोप के गोलों से भी भारी पड़ते हैं। जहां जवानों की ताकत का मुकाबला तूफान से होता है, ऐसे मुश्किल हालात में कैप्टन शिवा चौहान ने 100 दिन पूरे किए। इस साल 2 जनवरी को सियाचिन में मौजूद फायर एंड फ्यूरी सैपर्स टीम में कैप्टन शिवा चौहान को शामिल किया गया था। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। कैप्टन शिवा सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की सदस्य है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स को आधिकारिक तौर पर 14वां कॉर्प्स कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर लेह में है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की तैनाती चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर होती है, साथ ही ये सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं। इसी के चलते कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनाती मिली। कुमार पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर में अग्रिम पंक्ति की चौकी है, जहां पारा दिन में भी -21 डिग्री के आसपास रहता है। भारी बर्फबारी के चलते यहां सैनिकों को राशन पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। दरअसल रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए सियाचिन एक बेहद अहम मोर्चा रहा है। सियाचिन की भौगोलिक स्थिति उसे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। इसके एक तरफ पाकिस्तानी नियंत्रण वाला इलाका है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के नियंत्रण वाला इलाका। करीब 23,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सियाचिन, यहां शून्य से करीब 50 डिग्री नीचे होता है औसत तापमान। बर्फीले तूफान शुरू हो जाएं तो ये करीब 3 हफ्ते तक लगातार जारी रहते हैं। यहां साल भर औसत करीब 36 फीट बर्फबारी होती है। ऐसे मुश्किल हालात को शिवा के हौसले ने बौना साबित कर दिया। कराकोरम की बर्फीली पहाड़ियों में करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर ये वो इलाका है जहां चलना फिरना, उठना बैठना तो दूर, यहां तक कि सांस लेना भी मुश्किल होता है। ऐसे मुश्किल हालात में शिवा ने 3 महीने से ज़्यादा का वक्त बिता दिया है। आम दिनों में भी सियाचिन में भारत के 3,000 जवान तैनात रहते हैं। यहां एक जवान की तैनाती 3 महीने तक होती है। सियाचिन में उन्हीं जवानों को तैनात किया जाता है जो फिजिकल फिटनेस की बदौलत कुदरत की इस मार को सहने लायक टेस्ट पास कर लेते हैं। तैनाती से 1 महीने पहले जवानों को लेह में खास ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद 21,000 फीट से ऊंची चोटी पर तैनाती की जाती है। सियाचिन वो जगह है जहां कुदरत हर पल इम्तिहान लेती है, हर पल हौसले की परीक्षा होती है। यहां चुनौतियों को झेलने के लिए अकूत हौसले और अक्षुण जज्बे की जरूरत होती है। यहां सांस लेना मुश्किल है। मैदानों के मुकाबले सिर्फ 10% ऑक्सीजन मिलती है। कम ऑक्सीजन से मल्टी ऑर्गन फेलियर होने का खतरा रहता है। यहाँ पूरे शरीर को हर वक्त ढककर रखना होता है। किसी भी अंग के महज 15 सेकंड के लिए खुले रहने पर उसके गलने का खतरा पैदा हो जाता है। सियाचिन की भयानक ठंड में अगर कोई ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में रुका रहे तो शरीर अकड़ने का खतरा हो सकता है, जिससे जान भी जाने का खतरा होता है। यहाँ तक कि जवानों के दस्तानों में अगर पसीना आ जाए तो वो भी बर्फ बन जाता है और उंगलियों को काटने की नौबत आ जाती है। सियाचिन में ज़िंदगी बेहद चुनौतीपूर्ण है। यहाँ आम लोग सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे मुश्किल हालात में देश सेवा के लिए कैप्टन शिवा डटी रहीं। इनके इन्हीं जज्बे ने देश की बेटियों के लिए एक मिसाल तैयार कर दी। कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान की रहने वाली हैं। उन्होंने उदयपुर से अपनी स्कूलिंग की। उनके पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री है। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला नहीं खोया। बचपन से ही कैप्टन शिवा ने सेना में जाने का सपना संजोया था। इसके लिए उन्होंने चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी से कड़ा प्रशिक्षण लिया। मई 2021 में उन्हें सेना की इंजीनियरिंग रेजिमेंट में कमीशन किया गया। सियाचिन में तैनाती से पहले कैप्टन शिवा को सियाचिन बैटल स्कूल में कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें दिन में कई घंटे बर्फ की दीवार पर चढ़ना सिखाया गया। हिमस्खलन में अपना और साथियों को बचाव करने के तरीके सिखाए गए। कई तरह के मुश्किल हालातों में सहन शक्ति की परीक्षा ली गई, तब जाकर उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ। आज कैप्टन शिवा 15,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं, यानी हम और आप महफूज हैं। तो इसमें हमें शिवा के जाबाज कंधों का भी सहारा है। भारत के जाबाज 24 घंटे 7 दिन और 12 महीना सियाचिन के मुश्किल हालात में तैनात रहते हैं, जिनके लिए वतन की हिफाजत सर्वोपरि है।
इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं।